सपनों की अपनी एक अलग दुनिया होती है। हम कभी सपने में उड़ रहे होते हैं, कभी सपने में भाग रहे होते हैं। और काफी रिसर्चर्स तो ये कहते हैं कि सपनों का कोई डीप मीनिंग होता है जो हमें पहले से कुछ साइन देते हैं, पर हमें जल्दी से समझ नहीं आता। सपनों की दुनिया अपने आप में ही एक अलग दुनिया होती है। आज हम सपनों के फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि दुनिया में सपनों की कितनी बातें हम जानते हैं, और जिस तरह सपने हमारे सपनों में हमें चौंका देते हैं, उसी तरह ये फैक्ट्स भी आपको शॉक करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले, हम जब भी सपने देखते हैं तो उठते ही अपने सपनों का 90% हिस्सा भूल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम कभी भी एग्जैक्ट ड्रीम याद नहीं रखते, हम बस उसका कुछ पोर्शन याद रखते हैं। और ऐसा बहुत कम होता है कि हम सपनों को लंबे टाइम तक याद रख सकें, वरना तो धीरे धीरे हम पूरा सपना ही भूल जाते हैं। इसके बाद जो लोग देख नहीं सकते वो भी सपना देखते हैं। ये काफी अलग बात है मगर सच है, जो लोग नहीं देख सकते वो भी सपने देखते हैं। बस बात यह है कि वो अपने सपनों में चीजों को महसूस करता हुआ देखते हैं, वो खुशबू को फील करते हैं, आवाज सुनते हैं, इमोशंस को फील करते हैं, यानी कुछ इस तरह के ड्रीम उन्हें देखने को मिलते हैं जिससे उन्हें भी ऐसा लगता है कि जैसे वो सब एक्चुअल में हो रहा है। इसके बाद हर कोई ड्रीम नहीं देखता। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया का लगभग हर इंसान सपने तो देखता है, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कभी भी सपने नहीं आते। अब शायद उन्हें किसी तरह का डिसऑर्डर भी हो सकता है, या शायद उन्हें खुद ही सपने नहीं आते, मगर कुछ लोगों ने वाकई ये दावा किया कि उन्हें कोई ड्रीम नहीं दिखता। और मैं ये सोचता हूँ कि यार इनके लिए तो सपना आना भी सपने के जैसा है। नहीं मतलब सपने देखने के लिए भी सपने देख रहे हैं कि काश मुझे भी सपना आ जाए। अजीब बात है। इसके बाद हम सपनों में सिर्फ वही फेस देख पाते हैं जिन्हें हमने कभी देखा होता है, यानी हमारा ब्रेन कभी भी नई शक्ल क्रिएट नहीं कर सकता। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम सपने में किसी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे इसे तो मैं जानता भी नहीं, पर ये है कौन, पता नहीं ये कौन मुझे सपने में दिखा। पर असल में हमने उसे कहीं मेट्रो में ट्रेवल करते वक्त, बाजार से निकलते वक्त, या कहीं भी बस एक झलक के लिए हमने उसे देखा होता है, और हम बस उसे इग्नोर कर देते हैं। पर एक बार देखने की वजह से वो चीज हमारे ब्रेन में चली जाती है, और बाद में कभी सोते वक्त जब हमारे दिमाग का कोई हिस्सा एक्टिवेट होता है तो वो कई बार वही चेहरे दिखा देता है जिसे हमने कभी देखा था और इग्नोर कर दिया था। इसके बाद हम सभी को सपने जब भी दिखते हैं तो ऐसे दिखते हैं जैसे हम रियल लाइफ जी रहे हैं, जैसे कलरफुल। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके सपने बस ब्लैक एंड व्हाइट आते हैं। अब ऐसा क्यों है ये तो मैं नहीं जानता, पर वो सपने ऐसे देखते हैं जैसे पुराने जमाने पर टीवी पर कोई मूवी चलती थी ब्लैक एंड व्हाइट। इसके बाद बहुत सारे लोग बताते हैं कि ड्रीम आपकी करंट लाइफ में चल रही दिक्कतों से रिलेटेड भी होते हैं, जो आपको सपनों में कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, या शायद आपको आने वाली दिक्कतों के बारे में पहले ही बता देते हैं। रिसर्चर्स बताते हैं कि ड्रीम की एक नींव होती है जो बहुत डीप कहीं से जुड़ी होती है, वहीं से आपको देखने के लिए कुछ कुछ भेजा जाता है। आम लोग जल्दी से ये सब नहीं समझ पाते क्योंकि हमें ना तो वो सब याद रहता और ना ही हम इतना दिमाग लगाना चाहते हैं। पर कई बार शायद हम इन्हें सोल्व करें तो हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं, ऐसा रिसर्चर्स का कहना है। इसके बाद हमें पॉजिटिव ड्रीम से ज्यादा नेगेटिव ड्रीम दिखते हैं। ज्यादातर लोगों ने ऐसी बात कही कि उन्हें किसी पछतावे का सपना आया या किसी सैडनेस का सपना आया। इमोशनल होने से इंसान बहुत जल्दी जुड़ जाता है और फिर वो कुछ ज्यादा नहीं सोचता, बस उस चीज में कुछ देर बैठा रहना चाहता है। शायद इसी वजह से हमें कुछ ऐसे सपने देखने को मिलते हैं जिसमें हम इमोशनल हो रहे हैं। इसके बाद सपनों में वक्त बहुत जल्दी भागता है। एक एवरेज इंसान एक रात में 3 से 5 सपने देख लेता है। वो पहले एक जगह होता है और फिर किसी और जगह और वहां से कहीं और हर ड्रीम कब किसी दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है ये हमें पता भी नहीं चलता, मगर हर सपना पहले वाले से अलग होता है। ये हम कुछ कुछ सुबह उठने के बाद फील कर पाते हैं, क्योंकि जब हम सोचने बैठते हैं कि हमें क्या दिखा तो हमें ऐसा लगता है कि पहले तो मैं कहीं और था और बाद में मैं दूसरी जगह कैसे पहुंच गया, यानी जैसे मैं एक जगह बस में बैठा और जब मैं उतरा तो मैं मेट्रो से उतरा, यानी ये सब कुछ एक साथ चलता है जिससे हम ये नहीं जान पाते कि कौन सा सपना कब खत्म हुआ और कहां से शुरू। इसके बाद इंसान सोते वक्त जब अपनी आंखों की पुतली को मूव करता है तब वो सबसे गहरी नींद में होता है, जिसे स्लीप पैरालिसिस भी कहते हैं। इसमें इंसान ऐसे सपने देख रहा होता है जिसमें वो बहुत ज्यादा सीरियस होता है और अपने आप को उस सिचुएशन में पूरा डाल चुका होता है, जिसकी वजह से आई मूव करने लगती है, और ये लगभग 90 मिनट से 120 मिनट तक का हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो, और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो, जो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो अभी क्लिक करो और जुड़ जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।